नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश 11 सितंबर रविवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब ऐसे कार्मिकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही करेगा। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की ओर से फोन पर दी जा रही शिकायतों को प्राथमिकता से लिया जाए और प्रत्येक भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने भ्रष्ट लोक सेवक की पहचान कर उस पर प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2022 की शुरुआत में तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर लगातार रिव्यू करने और लक्ष्य के अनुसार काम करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान में 4 साल पूर्व भामाशाह पशु बीमा योजना बंद किए जाने से हाल ही में लंपी स्किन डिजीज वायरस सहित अन्य बीमारियों से मौत के मुंह में जाने वाले पशुओं के पशुपालकों को बीमा क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसका कारण है कि 2018 के बाद कोई पशु बीमित नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने हाल ही में इस योजना को फिर से लागू किया है। ऐसे हालातों में पिछले कुछ महीनों से विशेष रूप से गौवंश में फैल रहे लंपी वायरस के कारण किसानों को दोहरी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। राज्य में 23 सितंबर 2016 में पशुपालकों के पशुओं के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना लागू की थी। राजस्थान के 25 कॉलेज में छात्राओं के दो दो नए सेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। एक सेक्शन में 100 छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। छात्राएं 13 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राज्य के 20 कन्या तथा 3 सह शिक्षा कॉलेज में छात्राओं के लिए दो दो अतिरिक्त सेक्शन तथा विद्या संबल योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य के 150 पद नवीन पद भरने की घोषणा की थी। उच्च शिक्षा विभाग नए सेक्शन और सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में 29 अगस्त से ग्राम स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक शुरू हुआ। 2 सितंबर को ग्राम स्तर पर ओलंपिक का पहला लेवल पूरा हो गया है। अब 12 सितंबर से ब्लॉक लेवल पर खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। इसके बाद जिला स्तर व राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। ब्लॉक स्तर प्रतियोगिताओं में 5 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के 44,795 गाँवों में पहले लेवल की खेल प्रतियोगिता हो चुकी है। अब 352 ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस ओलंपिक में राज्य सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में छिपे खिलाड़ियों की प्रतिभा को तलाशने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। सोशल मीडिया विचारों के आदान प्रदान से ज्यादा सरकार के कामकाज और विपक्ष को उसकी भूमिका याद दिलाने का माध्यम बन गया है। वहीं अब आम आदमी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात आसानी से सरकार या नेताओं तक पहुंचा रहा है। राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं ने पिछले 8 से 10 सालों में सोशल मीडिया को अपने प्रचार में विपक्षी पार्टियों पर जुबानी हमले बोलने का माध्यम बना लिया है। यही नहीं, किस नेता के कितने फॉलोअर्स हैं इससे उसकी सियासी ताकत का भी अंदाजा लगाया जाने लगा है। ट्विटर की बात की जाए तो इस समय राजस्थान में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हैं। राज्य के ट्विटर पर 4.8 मिलियन यानी कि 48 लाख फॉलोअर्स हैं। राज्य के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। गहलोत के 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गहलोत से कुछ पीछे हैं। उनके कुल फॉलोअर्स 4.1 मिलियन यानी 41 लाख हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश का अलर्ट सटीक साबित हुआ है। शनिवार को झालावाड़ जिले में तूफानी हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। जिले में कई जगह पानी आने के कारण रास्ते बंद हो गए। झालावाड़ शहर में तूफानी हवा के साथ 1 घंटे जोरदार बारिश हुई। जिले के रटलाई में रिझौन के खाल की रपट पर पानी आ गया। इस कारण आवागमन बाधित रहा। लोग जोखिम लेकर पानी को पार करते नजर आए। पनवाड़, खानपुर, भीमसागर, झालरापाटन में भी जोरदार बारिश हुई। उधर बारा जिले में भी जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। बारा का प्रसिद्ध डोल मेला पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने बैठक के समापन सत्र में देश भर से आए मोर्चा के प्रदेशाध्यक्षों एवं कार्य समिति के सदस्यों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों, कार्यकर्ताओं व प्रदेश नेतृत्व की मेहनत से राजस्थान में 2023 में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्य समिति के सदस्यों को मोदी सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में शनिवार को विभिन्न छात्र हितों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का कुलपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष सचिन राजपुरोहित ने बताया कि प्रस्तावित सिंडिकेट की बैठक में स्थानीय विधायक द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव लाया जा रहा है जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी परीक्षा परिणामों में अनियमितताएं पाई गई है जो विद्यार्थियों को सीधे रूप से प्रभावित कर रही हैं।
देश की राजनीति में भाजपा की दशा दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने व चाणक्य के नाम से पहचाने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में हुंकार भरी। रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित भाजपा बूथ महासम्मेलन में उन्होंने चुनावी शंखनाद किया और भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राजस्थान से कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद उपशाखा नोखा ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम का ज्ञापन SDM को सौंपा। ज्ञापन में ऑफिस कानून को रामेश्वर लाल पुनिया ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद एवं राज्य सरकार के मध्य 4 अक्टूबर 2021 को एवं राजस्थान पटवार संघ के साथ 3 जुलाई 2021 को राजस्थान पटवार संघ मांगों को पूरा करने के लिए समझौता हुआ, परंतु आज तक नायब तहसीलदार का पद राजपत्रित घोषित नहीं किया है। उन्होंने नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित घोषित करने की मांग की है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, हमेशा उनकी कलम गरीबों के लिए चली है, अंतिम सांस तक उनकी कलम गरीबों और मजदूरों के लिए चलती रहेगी। गहलोत राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुड़ा गांव में पौधारोपण व उदयपुर वाटी प्रीमियम क्रिकेट लीग के समापन पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब सरकार पर संकट आया तब राजेंद्र सिंह गुढ़ा व बसपा के उनके साथियों निर्दलीय विधायकों BTP व CPM के विधायकों ने उनका साथ दिया था, वरना आपके सामने आज मेरी जगह कोई और दूसरा मुख्यमंत्री होता। राजस्थान के कई जिला परिवहन अधिकारियों के खिलाफ उनके ही अधीनस्थ परिवहन निरीक्षक लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने DTO पर आरोप लगाया है कि वे लंबे समय से बिना सूचना कार्यालय से गैर हाजिर हो रहे हैं, ऐसे में परिवहन निरीक्षकों का काम प्रभावित हो रहा है। साथ ही आरोप ये भी है कि जिला परिवहन अधिकारी लंबी छुट्टी से लौटकर एक साथ 4-5 दिन की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करा रहे हैं, जिसके कारण कार्यालय में मौजूद रहने वाले परिवहन निरीक्षकों को दोगुना काम करना पड़ रहा है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारियों के इस तरह की कार्यशैली से परिवहन निरीक्षकों पर अनावश्यक काम का दबाव बढ़ रहा है, इसके साथ ही उन्हें तनाव से भी गुजरना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ कोटा संभाग का महासमागम का आयोजन 16 अक्टूबर को कोटा में होगा। इसकी घोषणा विगत शनिवार को जयपुर में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में कोटा जिलाध्यक्ष रामजी लाल मीणा ने की। कोटा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक शर्मा व कोटा महामंत्री विवेक गौड़ ने बताया कि ये मंत्रालय कर्मचारियों का कोटा दूसरा समागम होगा। दिवाली में भले ही 1.5 महीने का समय शेष रह गया हो, लेकिन ग्रेटर नगर निगम ने अभी से दिवाली फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार कमान खुद महापौर सौम्या गुर्जर ने संभाली है। महापौर ने जोन वाइज बैठकों का दौर शुरू कर दिया है ताकि जून में जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। निगम प्रशासन ने इस बार कर्मचारियों और अधिकारियों की दिक्कतों को दूर करने की दिशा में भी काम शुरू किया है। महापौर ने जोन वाइज बैठकों का शेड्यूल तैयार किया है, जिसके तहत जोन में जाकर महापौर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे और जोन की समस्याओं को दूर करने पर फैसले लिए जाएंगे। राजस्थान के मुख्य आयुक्त राज्यकर डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने उदयपुर एवं भीलवाड़ा संभाग के समस्त अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डॉ. कुमार ने राजस्व वृत्त के दृष्टिगत आयोजित बैठक में GST और वैट राजस्व संग्रहण की छिजत को रोकने एवं शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने और राजस्व वृद्धि के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों संभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।